हाय गाइस, मेरा नाम श्रद्धा है। मैं आप रहा प्रेसिकल न्यू लेकर आ गया हूं, जिस पे आप वाह कहें तो अजगर हो जाओगे। तो अब बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लिए कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 62, जो कि है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, और ये हमें करनी है 15 सितंबर 2020 को। और यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलिए अब हम इस वर्कशीट का पढ़ना आरंभ करते हैं। तो लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो अब देखिए, लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से से पहाड़ियां में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। तो देखिए, अब जो लद्दाख है वो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में जो पहाड़ियां है, ठीक है, वो एक बिल्कुल ठंडा सा रेगिस्तान है, ठीक है, बहुत ठंडा है वो। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, वो माउंटेन एरिया, तो वहां पे जो है बहुत बर्फ पड़ती है, तो ऑब्वियसली ठंडा ही होगा। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। तो देखिए, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। तो अब देखिए, इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उग पाते हैं, उसका तो आपको पता ही है कि देखिए, यहाँ पर ना जो बर्फ ही बर्फ इकट्ठा हो जाती है, और देखिए ट्रीज के लिए थोड़ा मुश्किल होता है इतनी ठंड में सरवाइव करना। और भी देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा ठंडा होता है तब जो है प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं जो उसमें भी ग्रो करते हैं। पानी पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए, जो पीने का पानी है उस पर ना लोग गर्मियों के महीनों में जो पिघली हुई बर्फ होती है ना, देखिए जब बर्फ पिघल जाती है वो पानी होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर के लिए वो उसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, ठीक है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि देखिए यहाँ पर जो लोग होते हैं खास किस्म के भेड़ पालते हैं जो हमें देती है पश्मीना ऊन, वो जो है ऊन बहुत कीमती है, और अगर कीमती है तो महंगी भी होगी, इसलिए उनके जो शॉल होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो देखिए, अब जो लद्दाख के लोग हैं वो बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं, और जो कश्मीर के व्यापारी होते हैं उनको बेच देते हैं, ठीक है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शाले बन बुनी जाती है। तो देखिए, अब जो कश्मीर में ही जो होती है वो पश्मीना शाल, देखिए, वहीं पर बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं, ठीक है। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। तो देखिए, अब हम देखिए केरल पर जाएंगे। तो केरल भारत के एक दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये हमारा बिल्कुल हमारा नीचे, यानी कि ये देखिए, अब जो हमारा साउथ है ये यहाँ पे बिल्कुल नीचे लोकेटेड है, तो ये दक्षिणी हो गया, और ये जो है बिल्कुल यहाँ पर लोकेटेड है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये पश्चिमी हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक तरफ समुन्द्र में घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से, ठीक है। तो अब देखिए, इनका जो एक कोना है वो समुन्द्र से जो है भरा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो है महासागर हैं और सागर हैं, ठीक है। तो देखिए, अब जो यहाँ पर हमारा अरब है, अरब, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा अरब सागर है, और यहाँ पे जो है हमारा इंडियन ओशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो है।
इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन इलाकों में जो है सबसे ज्यादा जो है स्पाइसेस जो है वो उगाई जाती हैं। ठीक है, ये स्पाइसेस के लिए एक मशहूर जो है स्टेट है हमारे इंडिया का। और इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। तो देखिए जैसा कि आपको पता है, जो अब अंग्रेज भी आए थे वो यहाँ पे वहाँ पे केरल में व्यापार करने गए थे, पर बाद में उन्होंने जो है आपको पता ही है उन्होंने गुलाम बना लिया था भारत को। और सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापार केरल आए। तो ठीक है, जो सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापार केरल आए थे, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। तो देखिए अब जो थे थॉमस लगभग है ना हमारे 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे। ठीक है, और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। देखिए भारत में जो ईसाई धर्म है, देखिए उनका लाने का श्रेय बस इन्हीं को जाता है। ठीक है, अरब में कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। देखिए जो अरब में कई व्यापारी थे वो यहाँ पर आकर बस गए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही अच्छा स्थान था व्यापार करने का, जबकि जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पाइस मिलती थी। और ये देखिए इबन बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, देखिए एक जो थे आदमी वो इनका नाम था इबन बतूत। ठीक है, वो ना करीब 700 साल पहले यहाँ हमारे भारत में आए थे। अपने यात्रा हाथ में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, तो अब यहाँ मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, तो अब देखिए हमारे वास्को डी गामा ने पानी से, देखिए मतलब ये जो हमारे मैंने आपको बताया था ना कि एक हिस्सा जो इसका पानी से ढका हुआ है, तो ये देखिए वहां पे से ये इनका ने रूट बताया। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप गिवन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब देखिए हमारे ये जो हमने पढ़ा अभी लद्दाख, जम्मू कश्मीर और केरल के बारे में, उस रिलेटेड हमें ये उत्तर देने हैं। पहला, भारत ने राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्यों को खोज कर भरी है। तो अब देखिए यहाँ पे गृह राज्य का मतलब जहाँ पे हमारा घर स्थित है। तो देखिए अब मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर इसको माफ कर देता हूँ। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर ये रही हमारी दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं आगे गाइस। तो फिर अब हमारा जो अगला प्रश्न है देखिए वो है प्रश्न नंबर 2, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एक तर करके लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए हमें अपने गृह राज्य है, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा दिल्ली गृह राज्य है। तो देखिए हमें क्या करना है कि उसमें क्या करना, कुछ रोचक जानकारियां जो है हमें लिखनी है। तो पहली रोचक, वह पूरे भारत की कैपिटल है। ठीक है, अब दिल्ली पूरे भारत की कैपिटल है। दूसरा, वहां पर बहुत सारे ऐतिहासिक
स्मारक उपस्थित हैं, जैसे कि इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला आदि। ठीक है, और अब प्रश्न नंबर 3, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। तो भारत देखिए, भारत विविधता ऐसा है कि देखिए, एक जगह है तो बर्फ का रेगिस्तान है, एक जगह है तो गर्मी का रेगिस्तान है, और एक जगह बारिश बहुत ज्यादा होती है, एक जगह बहुत कम बारिश होती है। और एकता, जब भी कोई भारत को जब भी कोई समस्या आती है तब हम सारे देशवासी उसके लड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए, अभी कोरोना वायरस है तो देखिए, हमारे जो जितने भी राज्य हैं उनके साइंटिस्ट मिलकर इस कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। ठीक है, तो फिर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर देना। तो ओके, बाय गाइस।